कैसे हो आप लोग? आज हम कुछ बनाने वाले नहीं, आज कुछ हम उड़ाने वाले नहीं थे। आपका जो कमेंट आ रहा था वो मैंने पढ़ा और मैंने सोचा कि हमारे पास मोबाइल से हम प्लेन के अंदर लगा के हम उड़ाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक कैमरा होना चाहिए जो हम प्लेन के अंदर या ड्रोन के अंदर लगा के हम उड़ा सकते हैं, ऊपर का व्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये परचेस किया है, हमारा रनकैम 5 ऑरेंज, ठीक है। ये बहुत ही माइक्रो तो नहीं बोल सकते, लेकिन एकदम छोटू सा कैमरा है जो एकदम हाई क्वालिटी में रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है। और वो बहुत ही छोटा सा है, मतलब उसका वेट भी नहीं है इतना। इसका मैंने रिव्यू बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये वाला परचेस किया। और मुझे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने बोला था, बहुत सारे अपने दोस्तों ने बोला था कि ये वाला कैमरा ले लो, बहुत ही अच्छा आएगा। तो अभी हमने ये ले लिया है, ये रनकैम कंपनी का है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो अभी हम इसका सील्ड खोलते हैं, यहाँ पर सील्ड है। ये आप देख सकते हो बहुत ही छोटू सा कैमरा है। मुझे तो लगा तो थोड़ा तो बड़ा होगा, लेकिन ये बहुत ही छोटू सा कैमरा है, ठीक है। तो अभी हम इसको बाहर निकाल दें, ठीक है। ये इसको हम बाद में देखेंगे, हम इसके पहले इसके अंदर क्या क्या आया ये देख सकते हो। रनकैम तरीके रनकैम के वहाँ से कार्ड आया है, ऐप डाउनलोड करने का बोल रहे हैं, ये हम बाद में भी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं, इसके अंदर एक बॉक्स है उसको खोल दें, ठीक है। इधर से इसको खोलने का है और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है दोस्तों। तो ये सबसे पहला निकला है इसका चार्जिंग पोर्ट, एंड ये अपना इससे हम कंप्यूटर में से कनेक्ट करके हम इसके अंदर जो रिकॉर्ड हुआ है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये इससे ये आया वेलक्रो बेल्ट जो रनकैम का ब्रांडिंग लोगो चिपकाया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लिखा हुआ है, ऑरेंज है, मतलब और भी अच्छी क्वालिटी का है। और इधर लेदर है और इधर एक मेटल हुक दिया हुआ है, मतलब एक कड़ी जैसा बना हुआ है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है। और दूसरा क्या है, दूसरा ही सेम है, मतलब दो वेलक्रो बेल्ट आए। अब तो गाइस अभी हम इस कैमरे को अंदर हम मेमोरी कार्ड लगाने वाले हैं, तो ठीक है। तो हम कैमरे को देखते हैं कैसा है, ठीक है। वो ये बहुत ही छोटा सा कैमरा है, देख सकते हो आप। इसके अंदर माइक्रोवेव भी पोर्ट है, इधर रनकैम लिखा हुआ है और इधर के सारे बहुत ही अच्छी ग्रिप है, रबर, मतलब पूरा कैमरा बैक से लेकर पूरा चारे पूरा मतलब कोटिंग किया हुआ है रबर, मतलब रबर प्लास्टिक जैसा लगाया हुआ है, जिससे स्क्रैच वगैरह भी नहीं पड़ रहा है। और पीछे की साइड इधर माइक्रो होल दिए हुए हैं जिससे इसके अंदर की जो हीट होती है वो बाहर निकल सकती है, ठीक है। ये कैमरा वाटरप्रूफ तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और इधर की साइड इधर रनकैम 5 का ऐसा लोगो लगा हुआ है और इधर एक लॉक जैसा है, तो हम इधर से खोलें, ओ इधर से हम मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, ठीक है। और इधर एक रीसेट बटन है, तो अभी हम इसके अंदर मेमोरी कार्ड डालते हैं, ठीक है। ये हमारा 64 GB का मेमोरी कार्ड है, सैंडिक्स का, वो डालते हैं, ठीक है। ये हमने डाला, कुछ ऐसे तरीके से लग जाएगा, ठीक है। ये लग गया और इसको लॉक कर देते हैं, ये लॉक हो गया, ठीक है। और इधर एक स्टार्ट बटन दिया हुआ है और इधर एक हमारा एक LED लाइट लगाया हुआ है, RGB लाइट है, ठीक है। और दूसरा तो इसमें कुछ ऐसे कोई और बटन दिया हुआ नहीं है, फिर भी हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको लॉन्ग प्रेस कर रखने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है कैमरा, अभी स्टैंड बाय मोड पे है, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर मतलब कोड डालेंगे कैसा हमको रिजुवेशन चाहिए, ठीक है। तो ये एक दबाए और एक दूसरी बार दबाने के बाद ये ब्लू लाइट हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये स्कैन करने के लिए रेडी है। तो अभी इसके अंदर हमने हमारा मोबाइल के अंदर वो ऐप डाल दिया है, ये रनकैम की ऐप है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप डाल सकते हो, ठीक है। ये हमने सिलेक्ट किया हुआ है अपना रनकैम और ऑरेंज, ठीक है। और ये हमने दबाया, तो इसमें आप देख सकते हो तो बहुत सारे टाइप का मतलब लिखा हुआ है, कौन सी टाइप का आपको इसके अंदर फ्रेम रेट रखना है, FPV मोड और ऑडियो मोड, ठीक है। तो हम इसके अंदर ऑडियो मोड में हम नॉर्मल है, तो हम FPV करेंगे, तो इसमें क्या है साउंड एकदम बहुत ही कम साउंड आएगा, ठीक है। अभी हम नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। और इसमें हम हाई रिजोल्यूशन में ही रखते हैं, अभी लो देखे इसमें लो है, मीडियम है और एकदम हाई है, ठीक है। तो हम हाई रखेंगे और हाँ इधर आप देख सकते हो 4K @30 pixels है, तो हम इसमें से हम ये वाले में से ये फर्स्ट रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा देगा, ठीक है। इसमें कलर को हम छेड़ेंगे नहीं, कलर जैसा है ऐसा ही रखेंगे।
अभी इसके बाद अप्लाई पे रखते हैं। अप्लाई के ऊपर ये दिखा रहा है कि कैसे आपको इसको स्कैन करना है, ठीक है, ये हमने कर लिया है पहले से ही, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा ही इससे दूर रखने का है और ये स्कैन कर लेंगे, ठीक है। तो हमें बार बार नहीं दिखा, इसके लिए ये बटन दबा देते हैं, तभी हम इसको स्कैन करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमने स्कैन करा, हो जाएगा एक दो मिनट, और थोड़ा नज़दीक रखना पड़ेगा। क्योंकि देख सकते हो, हाँ ये हो गया, स्कैन हो गया। हमारा जो मोबाइल में से जो ये बारकोड दिख रहा है, वो हमारा कैमरा ने इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करने के लिए वन बार प्रेस कीजिए, ठीक है। तो अभी देख सकते हो ये, ठीक है। तो मैं आपको एक बाहर का व्यू दिखाता हूँ कैसा है इसका। तो गाइस, आपको ये कैमरा कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और अभी हम इसको जल्द से जल्द आने वाला है प्लेन के अंदर, हम ये स्कैमर लगा के हम उड़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ, ठीक है। तो गाइस, आप देख सकते हो इधर बहुत ही, अभी थोड़ी धूप निकली हुई है और अभी हम इस रन कैम का टेस्टिंग कर रहे हैं, और आपको कैसी क्लैरिटी दिख रही है वो मुझे बताइएगा कमेंट में, और नॉइस कैसा आ रहा है, मतलब साउंड कैसा आ रहा है वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि हमने नॉर्मल में रखा है, एफपीवी मोड में नहीं रखा है, ठीक है। तो मैं आपको दिख रहा हूँ अच्छे से, और क्या पता कैसी क्लैरिटी है वो तो मुझे देखने के बाद ही मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो आप देखिए व्यू, ठीक है गाइस। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब देखिए मैं अभी चल रहा हूँ फिर भी इतना वाइब्रेट नहीं हो रहा है, नहीं तो हम नॉर्मल अपने मोबाइल से करते हैं तो कैसा वाइब्रेशन आता है, वैसा वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, बहुत ही स्टेबल है। मैं अभी चल रहा हूँ फिर भी एकदम अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रहा होगा और एकदम अच्छी क्लैरिटी आ रही होगी, ठीक है।